और मैं नहीं समझता कि आप लोगों से ज्यादा इसको कोई समझता हो। बाहरी 304 एचटी जो नीलकंठ कंपनी के सिंक आते हैं किचन के, नीलकंठ निराली डायमंड जिस ग्रेड का आते हैं उस ग्रेड की स्टील है। अंदर 316 एल जो मैंने बता दिया, बीच में प्रॉपर इंसुलेशन है, वो सारा इसमें दिया हुआ कनेक्शन। अब आप बताया जैकपार की ले लो, ग्रोही की ले लो, हजग्रोही की ले लो, कॉलर की ले लो, रोका की ले लो, विठवा की ले लो, कोई सी भी सीपी फिटिंग लगाता है 8-10 लाख रुपए की तो लगाता है अगला, तो उसके आगे 40,000 रुपए मायने नहीं रखते जो समझाना है। और आप लोगों से ज्यादा अच्छा कोई समझा नहीं सकता, क्योंकि आप समझते हो इन चीजों को, आप जानते हो। आज इसके अंदर अगर 29 डिग्री टेम्परेचर का पानी डाला है और 29 डिग्री का ही मिल रहा है अपने को, तो कितना बढ़िया लगेगा उसको शावर यूज करने में भी, एवेटर यूज करने में भी। और आज सर्दियों के अंदर जब 5 या 7 डिग्री का पानी हो जाता है इसमें प्लास्टिक के टैंक में, वो गीजर में जाता है, 5 डिग्री को गीजर 65 डिग्री ले जाता है, कितनी बिजली खाता है उसमें। और ये 30 डिग्री को 65 डिग्री ले जाएगा, कितनी सी बिजली खाएगा। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। लगाने के बाद आरओ की मेंटेनेंस 80% कम हो जाती है, गीजर की मेंटेनेंस कम हो जाती है, वॉशिंग मशीन की कम हो जाती है, जब कचरा जाएगा नहीं उनमें तो खराब नहीं होंगे। हाँ जी, मैं अनुभव गुप्ता, आपके समक्ष मैं एक प्रोडक्ट लेके आया हूँ, किंग प्योर SS वाटर टैंक। ये स्टील का स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक है जिसमें पानी जैसा डालें वैसा रहता है, चाहे आप बाहर 60 डिग्री सेल्सियस जो एक राजस्थान जैसे एरिया में 50-60 डिग्री सेल्सियस वेरी नॉर्मल टेम्परेचर विच यहाँ पे आपको बहुत आसानी से मिलेगा, उस टेम्परेचर में भी इसमें पानी यूं का यूं रहेगा, आपके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा डालेंगे वैसा रहेगा, हाइजीन लेवल मेंटेन रहेगा। ये थ्री इसके अंदर हम इंसुलेशन करते हैं जो हंट्समैन केमिकल की होती है, अंदर 316L है, बाहर 304 है। अंदर जिसमें वाटर होल्ड होना है वो 316L है जो लेड फ्री है और मेडिकली अप्रूव्ड है। जितने भी आप मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप जाते हैं, जितनी मेडिकल इंडस्ट्रीज है वो टोटल 316L यूज़ करती है, उसको हम अंदर जिसमें वाटर स्टोर हुआ है उसमें हम 316L यूज़ कर रहे हैं। और जो इसके अंदर हम सबसे बड़ी बात है, इसके अंदर हम जितने भी सॉकेट वेल्डिंग जितना भी हमारी वेल्डिंग है सारी हमारे कोई वो नहीं है, आर्गन वेल्डिंग मैनुअल वेल्डिंग नहीं है, दिस इज़ टोटली रोबोटिक वेल्डिंग वी आर प्रोवाइडिंग, जिसमें पानी मतलब आपका कोई भी फॉल्ट किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आती है। इसके अंदर हम 100 लीटर से लेके 10,000 लीटर तक टैंक बना रहे हैं। और हमारे यहाँ पे जो हमारे सहयोगी हैं, हमारे जो हैं ये अपना हैं निखिल जी हैं और हमारे रोहित जी हैं, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यहाँ इनके थ्रू आपको माल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। कंपनी टेक्निकल असिस्टेंस देने के लिए कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आए कहीं भी किसी भी चीज़ की, तो वो कंपनी पूरी तरह से आपके साथ है। लोग प्लास्टिक टैंक लगाते हैं। प्लास्टिक टैंक बेसिकली क्या है, इज ए पेट्रोकेमिकल मटेरियल विच इज़ बीन यूज्ड। उसमें क्या है, जैसे आप बाहर 50 डिग्री सेल्सियस जब पानी टेम्परेचर होता है तो वो पेट्रोकेमिकल क्या है, जब आफ्टर सर्टेन टाइम उसके अंदर एक केमिकल पेट्रोकेमिकल मटेरियल जो केमिकल निकलता है और वो पानी के अंदर डिसॉल्व होके जो 52 टाइप्स ऑफ डिजीजेज लाइक कैंसर, स्किन डिजीजेज, स्किन रैशेज, सच डिजीजेज जो है ये उसको बढ़ावा देता है। पहले RCC के टैंक आया करते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब क्या है प्लास्टिक टैंक आने वाले 15 साल से आ रहा है तो उसमें क्या है बीमारियाँ बहुत बढ़ गई हैं, तो उसको उस बीमारियों को हटाने के लिए हिंदुस्तान को बीमारी मुक्त बनाने के लिए जो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं पता नहीं है आदमी अच्छा उसको रिमूव करने के लिए स्टेनलेस स्टील टैंक इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। लोग बिल्डिंग बना रहे हैं 2 करोड़ 3 करोड़ 2.5 करोड़ बिल्डिंगों में लग रहा है, खूब पैसा लगता है बिल्डिंगों में, लेकिन टैंक के बारे में जब आते हैं तो वो 5 रुपये लीटर 8 रुपये लीटर 8,000 रुपये 10,000 रुपये टंकी लगाया और चलो भाई। लोग ये उसके अंदर ये नहीं देखते इन्वॉल्वमेंट जो हिडन कॉस्ट है, थड़ा बन रहा है उसके अंदर कॉस्ट वो है, वो जो निपल लगते हैं सारी वो सब चीज़ें वो नहीं देखते कि क्या उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है कॉस्ट की। लेकिन इसमें क्या है हमारे टोटल हम 2 इनलेट 1 ओवरफ्लो 2 आउटलेट सारे पॉइंट्स बना के देते हैं, आपको कोई कुछ नहीं करना, कोई थड़ा नहीं बनाना, कोई हिडन कॉस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, टैंक गया और प्लम्बर ने जाके सीधा इसको इंस्टॉल करा टोटल हाइजीनिक लेवल मेंटेन करने के लिए। ये सिलेंड्रिकल टैंक है, नीचे सिलेंड्रिकल शेप होने की वजह से क्या है ईजी टू क्लीन है,
आपको सेंटर में ड्रेनिंग पॉइंट बना हुआ है, ड्रेनेज पॉइंट है, आप देख सकते हैं उसमें ड्रेन पॉइंट होने से क्या आप इस ईजी टू क्लीन है, आपको कोई ये नहीं कि हाँ जी फ्लैट बॉटम प्लास्टिक टैंक इधर फ्लैट बॉटम हो तो उसमें ये नहीं कि आपको बंदा बुलाना पड़ रहा है, प्लम्बर को फ़ोन करना पड़ रहा है चार बार कि हाँ जी आप आइए मेरे को टंकी साफ़ करवानी है। प्लास्टिक टैंक में क्या है कितना भी साफ़ कर लीजिएगा नीचे डस्ट पार्टिकल्स रहेंगे ही रहेंगे, कितना भी आप कोशिश कर लीजिएगा उसे क्लीन करने की। इसमें आपको इजी टू क्लीन है, जीरो जीरो लेवल पे डर्ट लेवल पूरा क्लीन कर देगा। आपको क्या करना है बस टैंक के पास गए बॉल वॉल खोला पूरी टैंक साइक्लोन बन के वाटर प्रेशर की वजह से साइक्लोन बन के पूरा टैंक क्लीन करके आपको वाटर जितना भी डस्ट पार्टिकल्स है सारे रिमूव कर देगा और आपका टैंक क्लीन हो गया। दो महीने में चार महीने में जैसे आपका वाटर यूसेज है, जैसा आपका वाटर हार्डनेस है, जैसा आपकी वाटर बोरिंग का यूज़ करें, जैसा यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उस पानी के उस हिसाब से यूसेज के हिसाब से दो महीने में चार महीने में छः महीने में टैंक को क्लीन करते रहिए। ये 100 साल भी टैंक को कुछ नहीं होना, हम 10 साल की वारंटी देते हैं। वारंटी इंक्लूड्स द मैनुफैक्चरिंग फॉल्ट, वेदर इट इज़ कि आपका जो टैंक में कोई लीकेज हो या सॉकेट वेल्डिंग कहीं भी आपको वो कंपनी उसके लिए आपके लिए टेक्निकल असिस्टेंस के लिए खड़ी है। कोई भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है टैंक में, टैंक को आपको मेंटेन करना है। लेकिन टॉप पे भी इंसुलेशन हम 100 mm की इंसुलेशन टॉप पे देते हैं, टॉप से धूप आ रही है आपको सनलाइट आ रही है तो वाटर टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा, जैसा आप डालेंगे वैसा रहेगा। 2-4-6 दिन के लिए जैसे आप हफ्ते के लिए अगर जाए बाहर जाते हैं 2 से 3 डिग्री का वेरिएशन आता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। इफ़ यू आर नॉट यूजिंग द वाटर, आप पानी यूज़ नहीं कर रहे हैं हफ्ते या 10 दिन के लिए आप अगर पानी नहीं यूज़ करते हैं तो टेम्परेचर में दो से तीन डिग्री का वेरिएशन आता है। अदरवाइज आप टैंक को पूरा यूज़ करें, डेली यूसेज इतना होता है टैंक के अंदर टेम्परेचर यूँ का यूँ रहेगा, जैसे आप डालेंगे वैसा ही रहता है। मैं सुनील गुप्ता, किंग प्योर एसएस वाटर टैंक टेक्निकल हेड। ये एसएस वाटर टैंक बेसिकली मोदी से इंस्पायर होकर हम लोगों ने विज़न बनाया। श्री हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के, वो इंडस्ट्रीज़ को जो बढ़ावा दे रहे हैं उस बढ़ावे के कारण और मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट को लेके हम लोगों ने विज़न बना के ये इंडस्ट्री लगाई है। ये स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक हर घर घर की ज़रूरत है, बट इसकी अवेयरनेस कम होने के कारण अभी इतनी डिमांड क्रिएट नहीं हुई है। अगर ये मेवाड़ न्यूज़ चैनल जो हमारे समक्ष है, अगर इनके माध्यम से अगर किंग प्योर एसएस वाटर टैंक पूरे राजस्थान में अगर अवेयर हो जाए तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँगा मेवाड़ न्यूज़ का। मोदी जी की जो बातें हैं, मोदी जी ने जो इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया है उससे देश आने वाले समय में बहुत आगे जाएगा, और उसी से इंस्पायर होकर अनुभव गुप्ता जी ने ऐसा ये प्लांट लगाया है जिसके कारण देश में जो महामारी या कैंसर या भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां हैं उन सब से देश को मुक्त कराने के लिए ये एसएस वाटर टैंक आपके समक्ष है, जिसका नाम किंग प्योर एसएस वाटर टैंक है। ये इंसुलेटेड है, पानी जैसा डालेंगे वैसा रहेगा, गर्मी में गर्म नहीं होगा, सर्दियों में ठंडा नहीं होगा। इसके अंदर कंपनी हंसमैन का केमिकल यूज़ कर रही है और इनर साइड 316L यानी लेड फ्री सर्जिकल ग्रेड स्टील यूज़ करती है और आउटर साइड 304SS ग्रेड हम लोग यूज़ करते हैं। हमारा आपसे आग्रह है, आप मेवाड़ न्यूज़ चैनल की तरफ से इस टैंक को प्रमोट करें जिससे ये जन जन में टैंक जाए और इसकी अवेयरनेस बढ़े, जिससे मोदी जी को जो हमारे देश के लिए इतना काम कर रहे हैं उसमें हम भी अपना थोड़ा सा योगदान दे सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।